नमस्कार बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीख रहे थे हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्र का पाठ नंबर 7, यह भी एक परीक्षा। आज के वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से क्या कहा? तो जवाब है, बूट पॉलिश वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकदार शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनसे अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वे भी सिर्फ 2 रुपये। दूसरा प्रश्न है, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो उसका जवाब है, भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। तीसरा प्रश्न है, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया? तो उसका जवाब है, अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसके पैर में जख्म हो गया था, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा था, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया। चौथा प्रश्न है, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो उसका जवाब है, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा कराह रहा था, देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया, जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी, सड़क पर उसके बिखर गए थे से पैसे वे कटोरे में डाल दिए, भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहां उसने भिखारी को भर्ती कर दिया। पांचवा प्रश्न है, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों लगाया? तो उसका जवाब है, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी, परंतु देवेंद्र नहीं आया था। देवेंद्र मेघावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे, उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे, उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार न हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। तो पहला वाक्य है, अंधा है क्या देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो ये वाक्य है वो चाय वाला एक बालक को कहता है। 2 नंबर का है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। तो भिखारी है वो देवेंद्र को यह वाक्य कहता है। 3 नंबर का है, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। तो ये देवेंद्र है जो विद्यार्थी है वो
अंधे बूढ़े भिखारी को कहता है। चार नंबर का है, सर परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र अभी तक अनुपस्थित है, तो ये वाक्य एक अध्यापक प्रधान अध्यापक को कहते हैं। फिर पांच नंबर का है, शाबाश तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है अपना कर्तव्य निभाया, तो यह वाक्य है वो प्रधान अध्यापक देवेंद्र से कहता है। छह नंबर का है, जूते चमका दो शानदार कर दूंगा, तो यह वाक्य बूट पॉलिश वाला राहगीर से कहता है। प्रश्न नंबर तीन है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, तो इसका हमें गुजराती में अनुवाद करना है। एक बार अवंती के देश में तीन व्यापारी आए, तो एक वक्त अवंती देश में त्रण व्यापारियों आया। राज दरबार में उन्होंने प्रार्थना की, तो राज दरबार में तेओए प्रार्थना करी कि उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, के तेमना प्रश्नों नोना उत्तर आपवामा आवे। कोई भी दरबारी व्यापारियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। कोई पण दरबारी व्यापारियों ना प्रश्नों ना उत्तर न आपी शक्या। यहां तक कि राजा भी उलझन में पड़ गए। क्या सुधी के राजा पण उलझन में एटले के मुश्किली में पड़ी गया अथवा विसामण में पड़ी गया। तब किसी ने कहा, त्यारे कोई के कहियू के अवंती को बुलवाया जाए, त्यारे कोई के कहियू के अवंती ने बोलावामा आवे। वही उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है के तेज एना प्रश्नों ना उत्तर आपी शके छे। राजा ने अवंती को बुलाने के आज्ञा दी। राजाए अवंती ने बोलावानी आज्ञा करी। हाथ में लाठी लिए हुए अपने गधे पर सवार अवंती दरबार में पहुंचा। हाथ में लाकड़ी लई अने गधेड़ा ऊपर बेसीने अवंती दरबार में पहुंचे। वे आखा फकरानु हूँ फरी एक बार गुजराती करू छु। एक बार अवंतीना देश में त्रण व्यापारीओ आव्या। राज दरबार में एमणे प्रार्थना करी के तेओना प्रश्नना उत्तर आपवामा आवे। कोई पण दरबारी व्यापारीओना प्रश्नोना उत्तर न आपी शक्या। एटलू ज नहीं, राजा पण विसामणमां पड़ी गया। त्यारे कोई के कह्यू के अवंतीने बोलावामां आवे, तेज आ प्रश्नोना उत्तर आपी शके छे। राजाए अवंतीने बोलावानी आज्ञा करी। अवंती हाथमां लाकड़ी लई अने गधेड़ा ऊपर बेसीने दरबारमां पहोंच्यो। तो विद्यार्थीओ अहीं छे ते स्वाध्याय पूर्ण थई छे। આવતા વિડીયોમાં આપણે પુનરાવર્તન શીખીશું।